नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्याम रसोई में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, सुपर सॉफ्ट और इजी सूजी और मावा की बर्फी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 100 ml देसी घी लिया है, आधा कप घी है पर मेल्टेड आधा कप घी लीजिएगा। इसमें हम 250 ग्राम सूजी डालेंगे। सूजी मैंने बारीक वाली ली है, यदि मोटी वाली सूजी हो तो उसे मिक्सर में चलाकर पीस लीजिएगा। अब हम सूजी को लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए सेक लेंगे। फ्लेम लो रखिएगा तो सूजी बहुत अच्छे से सिकेगी और बर्फी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो हम इसे कंटिन्यू चला लेंगे। ये देखिए, सूजी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हम इसे थोड़ा और सेकेंगे और ये देखिए, सूजी ने अभी पूरी तरह से घी छोड़ दिया है। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें 50 ग्राम नारियल का बुरादा डालेंगे, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। ये किराने की शॉप पर आसानी से मिल जाता है। इसे ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि आप नारियल का बुरादा नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर दीजिए। नारियल का बुरादा डालने के बाद हम इसे 3-4 मिनट और सेकेंगे। तो ये देखिए, हमें 4 मिनट के करीब हो गया है। हमने टोटली इसे 14-15 मिनट के लिए सेक लिया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे। यहाँ मैंने 200 ग्राम चीनी ली है, ये करीबन 3/4 कप है। चीनी की मात्रा आप अपनी पसंद के अनुसार 10-20 ग्राम कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। हमें इसमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, एक तार या दो तार वाली, केवल चीनी को मेल्ट कर लेना है। हमें इसे कंटिन्यू चलाना है, वरना चीनी तले में चिपक जाएगी। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। ये देखिए, चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है और इसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया है। तो हम इसमें 4 इलायची का पाउडर डाल देंगे और अब हम इसमें 250 ग्राम मावा ऐड करेंगे, इसे हम खोया भी कहते हैं। मैंने 250 ग्राम सूजी ली है तो उसके लिए 250 ग्राम मावा बनाया है। ये घर पे बनाया हुआ मावा है, बिल्कुल फ्रेश है। आप यदि बाज़ार से लेके आएँ तो उसे कद्दूकस करके डाल दीजिएगा। तो हम मावे को पहले चाशनी में अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से बर्फी में अच्छी तरह मावा स्प्रेड होता है। ये देखिए, हम इससे इस तरह से मेल्ट कर लेंगे। मावा चीनी में अच्छे से मिल गया है, ये देखिए। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें सूजी और नारियल के बुरादे वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे। हमने सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है और अब हम इसे कंटिन्यू तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये मिक्सचर पैन ना छोड़ने लग जाए और एक डो जैसी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो हमें इसे कंटिन्यू चला लेना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे मिक्सचर पैन छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखिए, और ये देखिए, पहले से काफ़ी ड्राई हो गया है, पर हमें इसे और सेक लेना है अभी 3-4 मिनट। और ये देखिए, अब पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और एक डो जैसी कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो हम इसे पहले चेक कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मिक्सचर हम एक बाउल में लेंगे, उसे हल्का सा ठंडा कर लेते हैं और अब हम देखेंगे इसकी गोली जैसी बन रही है। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अभी ये बहुत गर्म है, मैंने इसे ज़्यादा ठंडा नहीं किया था। ये देखिए, इसकी इस तरह से गोली बनने लगी है। इसका मतलब हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है बर्फी के लिए। तो हम इस टाइम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ मैंने पहले से एक ट्रे को घी से ग्रीस कर लिया था, उस पर बटर पेपर लगा दिया था। बटर पेपर को भी घी से ग्रीस कर लिया था। हम सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे और इसे स्प्रेड कर दीजिए। फ्रेंड्स, बर्फी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, सभी के नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं और उनका मेज़रमेंट भी लिख दिया है। तो ये देखिए, हमने एक ट्रे में ही सारा मिक्सचर स्प्रेड कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम है, मैं इस पर लगा दूँगी। आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता है उससे।
यहाँ मेरे पास कुछ केसर के धागे हैं, वो भी मैं इस पर लगा देती हूँ। केसर के धागे लगाना ऑप्शनल है। अब हम इसे ठंडा होने के बाद कट कर लेंगे। ये देखिए बर्फ़ी पूरी तरह रूम टेम्परेचर पर आ गई है, तो हम इसे कट कर लेते हैं। उसके पहले मैं निशान लगा लेती हूँ। मैं इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी साइज या शेप में इसे कट कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। 7-8 घंटे के बाद तो ये और भी अच्छे से सेट हो जाती है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। बटर पेपर लगाने से बाहर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर और सुपर सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।